नमस्कार। अंतस योग में आप सभी का स्वागत है। संध्या काल की पावन पवित्र वेला में थोड़ी देर मौन पूर्वक सीधे स्वस्थ सुखद आसन में पलकों को धीरे से नीचे कर लीजिए। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, झूम कर दिल कहे पाना था पा लिया। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। एक जहां में ये सारा जहां पा लिया, एक झलक में ये सारा जहां पा लिया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। खुद को खोकर ही उसके करीब आया जा सकता है। थोड़ी देर मौन पूर्वक मुस्कुराइए। अंतस की धारा में सर्वप्रथम भीतर की सफाई, जो केवल वर्तमान में ही संभव है। हम सभी बहुत गलती कर जाते हैं। हम परमात्मा की यात्रा पर निकल जाते हैं बिना दिल को साफ किए, बिना भीतर को साफ किए। अभी इसमें बहुत मैल है, इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, जलन है, महत्वाकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं। कितनी गंदगी है, और इस गंदगी के ढेर को लेकर हम परमात्मा को खोजने निकल पड़ते हैं। बस गलती यहीं से शुरू हो जाती है। हम परमात्मा को बुलाने चले अपने दिल में, तो सर्वप्रथम हमें अपने भीतर को साफ करना होगा। अगर हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तो कैसे सजाते हैं अपने ड्राइंग रूम को, अपने को, अपने सामान को? और हमारे भीतर अगर हम ईमानदारी से देखें, सिंसियरिटी से देखें, तो सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। साधक होने का सर्वप्रथम लक्ष्य यही है कि अपने आप को पूरी ईमानदारी से देखें। जब तक हम स्वयं को देखने में ईमानदार नहीं बनेंगे, तब तक सत्य के कहो या अंतस के रास्ते पर कहो, उस पर चलना असंभव है। अपने ख्यालों में भीतर देखना, किस ख्याल में खोए हो, एक परमात्मा का ख्याल छोड़कर बाकी सबका ख्याल है भीतर, लेकिन थोड़ी देर गुनगुना लेना। ख्यालों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कभी ख्याल किया कि आपके भीतर परमात्मा को कोई ख्याल है या नहीं? ख्याल गैरों का हटाना, क्योंकि यहां तुम्हारा परमात्मा के सिवा कोई नहीं। ये तुम्हारा केवल भ्रम है कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये तुम्हारा केवल अज्ञान है, मोह है, केवल तुम्हारी मूर्छा है। इस मूर्छा को तोड़ने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा, जो सब कुछ व्यवस्थित ढंग से घूम रहा है वो है ईश्वरीय शक्ति, या इसे प्रकृति कहो, वह भी ईश्वरीय शक्ति है। जब हम माला के मन के देखते हैं और भगवान का जाप भी करते हैं,
लेकिन जो उन मनकों को जोड़ने वाला धागा है वह सूत्रधार ईश्वर है, जो अदृश्य है, दिखता नहीं है। वही सूत्रधार ईश्वर की शक्ति है जो सबको जोड़े हुए है। भगवान हमारे पालक नहीं है। भगवान के सामने जाकर कहोगे दे 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 दे, नहीं होगा। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, यानी जो हम भटक गए हैं इन 84 लाख योनियों में निकलना कैसे है, इसका मार्गदर्शन भगवान करते हैं। जो हमें इस देह में ईश्वर की अनुभूति का मार्ग बताते हैं वो भगवान है। लेकिन जो संपूर्ण लीला को एक एक कण को संभाले बैठे हैं वो ईश्वर है। ईश्वर माता पिता की तरह हमारे पालक हैं। माता यानी आद्य शक्ति, पिता यानी शिवा, ये हमारी समृद्धि के कारण है। इन्हें पूजना सर्वमान्य है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है माँ बाप से मांगा जाता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उसके लायक हो या नहीं। बस तुम बल और बुद्धि मांगना, ये हमारा अधिकार है, ताकि मैं अपनी स्वयं की खोज कर सकूं, अपने अंतस्मुख भीतर जा सकूं। लेकिन जब जीवन में सदगुरु की एंट्री होती है तो वो तुम्हारी हर इच्छा के साथ एक नया हायर पर्पस जोड़ते हैं। और यदि तुम्हारी इच्छा प्यास सही होती है तो घर बैठे भगवत गीता के सत्संग मिल जाते हैं। दिल से मांगना, बस पालक से बालक बनकर मांगना। भगवान के साथ हमारे जीवन, समृद्धि और तंदुरुस्ती को संभालने का कोई काम नहीं होता। वो तो हमारे शाश्वत कल्याण के मार्ग के लिए पूजनीय है। ईश्वर पालक हैं, इसीलिए पूजनीय है। वे कल्याण के निमित्त हैं, इसीलिए पूजनीय है। दोनों पूजनीय है। संपूर्ण पर ब्रह्म ईश्वर है, उसको पूजे बिना हम रह ही नहीं सकते। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, हर वस्तु व्यक्ति में जो उसका पवित्र स्वभाव है वह ईश्वर है। बहुत गहरी बात है यहां। यानी अग्नि में जो तेज है, पृथ्वी में जो सुगंध है, जल में जो उसका रस है, जो भी उसका नेचर है, स्वभाव है, वही ईश्वर है। जल ईश्वर नहीं है, जल ईश्वर से आया है। लेकिन जल ये जो रस है वह ईश्वर है। प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है वही ईश्वर है। दूसरी ओर स्वयं के पवित्र स्वभाव को जानने वाले भगवान कहलाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में कह दिया कि ईश्वर का उत्सव मनाने के प्रसंग होते हैं शिवरात्रि, नवरात्रि, ये दोनों मोस्ट फेमस, पूरा एक महीना सेलिब्रेशन चलते हैं। लेकिन भगवान का मोस्टली एक एक दिन का सेलिब्रेशन चलता है। भगवान ईश्वर की अपेक्षा से एक छोटी घटना है, तो उसके लिए वह पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन मनती है। गुरु पूर्णिमा को भी एक ही दिन मनाते हैं। लेकिन 31 दिन ईश्वर को समर्पित होने चाहिए, तब तुम्हें ईश्वर के, ईश्वर से मांगने का अधिकार है। तुम्हें मांगने का अधिकार तो है, लेकिन सेवा में भी कुछ कर रहे हो कि नहीं? उसे अपना समय दिया क्या और मांगने निकल पड़े? ये तुम्हारा उचित व्यवहार नहीं है। तुम्हें इसका कुछ ना कुछ दंड अवश्य मिलेगा। जागे रहना, सब कुछ तुझ में, तू ही सब में, तू ही है सब, सब कुछ तुझ में ही सब। ये धारा समझ कर जो भीतर से नाच उठे, वही है उत्सव, वही है गर्मी। बस स्वरूप को समझ कर किसी को पूजना, पूजने में उद्देश्य भी और हायर पर्पस होना चाहिए। तुम किसी की भी पूजा कर रहे हो तो स्वरूप समझ कर करना। भगवान आप आए, आपने स्व कल्याण किया, फिर परोपकार की भावना हमारे भीतर पैदा की। तुम्हारे मांगने के पीछे भी कोई हायर पर्पस है या नहीं, तो तुम्हें मांगने का पूरा अधिकार है। ध्यान रखना, ईश्वर ने तुम्हें 24 घंटे दिए हैं, उसमें से 10% ईश्वर का होना चाहिए, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट तुम्हें ईश्वर के साथ अपना संपर्क साधना है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। कोशिश करना, भक्ति, नित्य क्रम, पूजा, ध्यान, पाठ, किसी भी रूप में करो, 2 घंटे 40 मिनट अपनी सेवा साधना को दो। ये है निराकार के प्रति समर्पण। और जब तुम अपने जीवन का 10% और जीविका का 10% उसके चरणों में सौंपते हो, तो ये है उस शक्ति को तुम्हारा समर्पण। इसे ही वास्तविक समर्पण कहा जाता है। देखा जाए तो एक्चुअल में भगवान का काम भी यही होता है कि वे जिस काल में आते हैं उसी के अनुसार धर्म की स्थापना करते हैं।
भगवान कृष्णा भी जब युद्ध का माहौल था उसी प्रकार के धर्म की स्थापना की, लेकिन अंतस के मार्ग पर चलने वालों को इनके दावों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान जिस काल में आते हैं उन लोगों के भावों को देखकर किसी एक दर्शन को मुख्य करते हैं, जैसे भगवान महावीर ने नास्तिक दर्शन को मुख्य किया। उन्होंने कहा, ईश्वर की बात ही छोड़ो, तुम अनुभव की ओर बढ़ो। अगर अनुभव की ओर बढ़ोगे तो क्या ईश्वर मिले बगैर रह सकता है? तुम कुआं कैसा होता है, उसका पानी कैसा होता है, उसकी बातें करनी बंद करो, कदम उठाओ कुएं की तरफ। उसके अंत में कुएं का पानी का अनुभव होगा या नहीं? बुद्ध और महावीर ने अंत में ऐसा पराक्रम किया, उन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं उठाई, बस उस तक पहुंचने का जो मार्ग है उसी की बात उठाते उठाते ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां स्वयं ईश्वर की अनुपस्थिति का अनुभव होता है, चारों तरफ वही। यदि तुम सदगुरु की उपस्थिति को महसूस करोगे तो सब बातें भगवान से मैच करती हैं। और कहा गया, तुम सदगुरु और भगवान में जितनी दूरी रखोगे तो समझ लेना मोक्ष मार्ग पर उतनी ही दूर हो तुम, उतना ही पीछे हो। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, और भी जो सत्वगुण उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ध्यान देना इस बात पर, यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से वो कह रहे हैं कि मैं जल में रस हूं, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, संपूर्ण आकाश में शब्द हूं, सब पुरुषों में पुरुषत हूं। लेकिन किसकी बात हो रही है? यहां ईश्वर की बात हो रही है। भगवान को भी यह बोलने का अधिकार तब मिला है जब उन्होंने ईश्वर के स्वरूप का स्वाद चखा है। शब्द ध्वनि तभी तो आई जब महाविस्फोट हुआ। तुझमें जो पुरुषार्थ का वेग उठता है वो मैं हूं, ना मैं पुरुष हूं ना मैं स्त्री। लेकिन हमें जो उत्साह उमंग उठता है, तरंग उठती है, कुछ जान लेने की कुछ कर लेने की जो तरंग भावना उठती है, वो मैं हूं, मैं यानी ईश्वर। पृथ्वी में पवित्र गंध, मन, बुद्धि, चित, अहंकार, ये आठों चीजों में मैं ही हूं। नेक्स्ट वॉल्यूम में हम इसी चीज को और डिटेल से जानेंगे। अध्यात्म में दो प्रकार की गंध होती है, तब तक इंतजार के पलों में रहना, जागे रहना अंतस की धारा में। ये जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब होता है, शामें कटती नहीं और साल दर साल गुजरते चले जा रहे हैं। जागे रहना, होश में रहना।